तो ये धर्म की परिभाषा कहीं ना कहीं, अगर हम किसी मनुष्य के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इसका मतलब हम धर्म पे ही विश्वास नहीं करते हैं। धर्म को अपने हिसाब से चलाना है ना, हमारे हिसाब से हम जैसे चाहेंगे वैसे हम करेंगे। तो अगर धर्म के नाम पे वहाँ पे बिगड़ हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे धर्म के नाम पे कुछ है ही नहीं। ईरान की बहाइयों के साथ पिछले 4 दशक से, उससे भी ज़्यादा अभी होने वाले हैं, ये जो अत्याचार चल रहा है, और इनका हर तरीके से अगर देखा जाए तो उनके ऊपर ये अत्याचार चल रहा है। जैसे उनके इकोनॉमिक राइट्स नहीं हैं, उनकी जो सोशल राइट्स नहीं हैं, और उनकी जो उनके युवाएं जो हैं वो अपने हायर एजुकेशन के लिए वो जाना नहीं चाह मतलब जाना नहीं पाते हैं। तो उनको हर तरीके से बांध के रखा है। और ये ईरान की जो सरकार है, उनकी एक बहुत ही सिस्टमेटिक नीति है, उनकी पॉलिसी है, जिसको ये अत्याचार उसी के रूप में चल रहा है। और ये नीति 1991 में तय किया गया था, और 1993 में हमारे जो यूएन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने इसका खुलासा किया था कि ये इसकी जो बेसिस पे ही उनके ऊपर अत्याचार चल रहे हैं बहाइयों के क्यों साथ किया ईरान जा रहा में। है, आखिर वजह क्या है? बहाई जो आप जानते हैं एक स्वतंत्रता धर्म है, ये इस्लाम का भाग नहीं है। जैसे बाकी धर्म है वैसे ही बहाई धर्म है। और बहाई धर्म की जो मूल सिद्धांत है, ईश्वर एक है, मानव जाति एक है, और हर धर्म एक है। और कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो शायद ईरान की जो सरकार है और उनकी जो विश्वास है उन पे शायद नहीं मैच होते। जैसे स्त्री पुरुष की समानता के ऊपर बहाई विश्वास करते हैं, उस सिद्धांत पे, उसको सिर्फ विश्वास ही नहीं उस पे लागू करने की कोशिश करते आखिर हैं। सारे धर्म तो ये सही बात है कि हर धर्म एक ही बात करते हैं। ये सिद्धांत जो है, मैंने जो कहा है, ये सिर्फ बाह्य धर्म नहीं, हर एक धर्म, धर्म की परिभाषा जो है ये समझने की आवश्यकता है, और धर्म को हम किस तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं उसको देखने की आवश्यकता है। धर्म की अगर आप सच्ची परिभाषा देखें, वो है एक सबको एक करना है ना, सबको मिलजुल के रहना, अच्छे कार्य करना है ना, अच्छे ये पूर्वग्रह जो है उसको ना रखना, और कैसे हम इस स्वभाव के साथ सब मिलकर एक बेहतर समाज के लिए काम करें। तो ये धर्म की परिभाषा कहीं ना कहीं, अगर हम किसी मनुष्य के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इसका मतलब हम धर्म पे ही विश्वास नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि धर्म पे विश्वास करने से हम ऐसे नहीं करते बिल्कुल भी। भाई समुदाय की जो कार्यों को दिखा जाता है वो हमारी संस्थाओं के जरिए दिखा जाते हैं, जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और तृणमूल स्तर पर है, लोकल पे। और ये संस्थाएं जो हैं वो मदद, बहाई की, ईरान की जो बहाई है वो अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं, तो उनकी बिहाफ में जो बाकी राष्ट्र बहाई बाकी देशों में जब रहते हैं, वो लोग अपने तरीके से उनके बिहाफ में आवाज़ को उठाते हैं। हम जो सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार है, उन तक हम पहुंचाते हैं कि क्या हो रहा है, और उनकी मदद के लिए हम गुजारिश करते हैं। यूएन में ह्यूमन राइट्स काउंसिल जैसे जिनेवा में होती है, और जनरल असेंबली में जो हर साल मानव अधिकार के ऊपर जो कि सिचुएशन दिखा जाता है हर एक देश का, ईरान का भी उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास होते हैं, जिसमें सारे मेंबर स्टेट्स को वोट देने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और जो चाहते हैं कि ईरान में जो हो रहा है उस विषय को डिस्कस करें जनरल असेंबली पे, तो वो रेजोल्यूशन पास होते हैं उस वोटिंग के बेसिस पे, और उसी तरीके से फिर उसको आगे देखा जाता है। और बहुत सारे जो मेंबर स्टेट्स हैं वो रेकमेंडेशंस भी देते हैं ईरान की सरकार को, जो कि पिछले 2-3 सालों से दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई ऐसे कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने प्रॉमिस तो किया है वहाँ पे, लेकिन उसका असर नहीं है। देखिए, ईरान की बहाइयों के साथ जो हो रहा है वो धार्मिक पूर्वग्रह के वजह से हो रहा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। धार्मिक पूर्वग्रह मतलब आप धर्म को अपने हिसाब से चलाना है ना, हमारे हिसाब से हम जैसे चाहेंगे वैसे हम करेंगे।
तो लेकिन हमारे जो ग्रंथ पे में पवित्र ग्रंथ पे जो लिखा है उसको देखने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। तो ये पूर्वाग्रह की वजह से जैसे हम विश्वास करते हैं, बाहरी विश्वास करते हैं नारी और पुरुष एक समान है ना, दोनों को एक साथ ही मिलकर इस समाज की उन्नति के लिए कार्य करना होगा। हम नारी को पीछे नहीं रख सकते, महिलाओं को पीछे हम नहीं रख सकते, महिलाओं को आगे रहना होगा। उनकी पढ़ाई के बारे में काफ़ी सारे बाहर स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, उनकी पढ़ाई के महत्व के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, जो कि जो ईरान की जो अभी हिजाब के जो हो रहे हैं उसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें यही देखा जाता है कि धर्म की जो पूर्वाग्रह हम उनकी बीच में है, सो वही ऐसे कदम उठाने में शायद उनको कर रहे हैं। जो बाइस के साथ ईरान की गवर्नमेंट, आपको पता होगा, ये जो है रिलीजियस बेसिस पे ही उनकी सरकार है, और उनकी कुछ नियम, वो लोग जो धार्मिक नियम कहते हैं, शायद ये उचित नहीं होगा धर्म का नाम लेना, क्योंकि धर्म कभी किसी की नुकसान नहीं करते हैं। धर्म हमेशा एक दूसरे को मिलाते हैं, अच्छी बातें कहते करते हैं, हमारे दिल में परिवर्तन लाते हैं, है ना। एक इंसान परिवर्तन होता है जब धर्म को समझते हैं, इंसान बिगड़ नहीं जाते हैं। तो अगर धर्म के नाम पे वहाँ पे बिगड़ हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे धर्म के नाम पे कुछ है ही नहीं, उस धर्म को ही समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि धर्म को समझना इसलिए ज़रूरी है, धर्म क्या करता है एक्चुअली।